नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के लेबर लॉ के अकॉर्डिंग छुट्टी के बारे में और उसके बोनस के बारे में। जी हाँ, हालांकि ऐसे लोग वीडियो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में देखते हैं ना कि ऐसे लोग जो अच्छी ज्ञान की बातें हैं ना, वो इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर वो कंपनी पैसा खा जाती है, लटकते रहते हैं, अरे हम बर्बाद हो गए, कंपनी ने पैसा खा गया, हमारे छुट्टी के पैसे नहीं दिए, वो होते रहते हैं, क्योंकि नॉलेज होता नहीं है, नॉलेज लेते भी नहीं है। जी हाँ, हालांकि गल्फ देशों में सेम प्रोसेस है, लेकिन हम यूएस से रिलेटेड बात करेंगे लेबर लॉ में, कि आपकी वार्षिक छुट्टी कितनी मिलती है आपको साल में, और उनका भुगतान कैसे मिलता है, उनकी वार्षिक छुट्टी की सैलरी वगैरह वो किस तरह से, क्या प्रोसेस होगा, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए, ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। का जो लेबर लॉ है, बता दूं 1980, उसके कानून नंबर 8 के अनुच्छेद 74 से लेके 81 यानी 74 से लेके 81 तक वार्षिक छुट्टी के बारे में और वर्करों के अधिकारों के बारे में लंबा प्रोसेस बताया गया है। जी हाँ, कि अगर उनकी छुट्टी होती है तो कब होती है, उनका भुगतान कैसे होता है, उनका बोनस वगैरह पूरा प्रोसेस बताया गया है। देखिए, सीधी बात है भाई, सीधा सिंपल सी बात करें तो वार्षिक एक साल से आपको एक महीने की छुट्टी मिलेगी। जी हाँ, सबको पता है इस बात का, लेकिन कंपनियों में नहीं मिलती है। आज भी 2 साल से 2 महीने की छुट्टी मिलती है, 1 साल से वो लोग नहीं देते, जबकि वीए का लेबर लॉ 1980 के अनुच्छेद प्रावधान है कि 1 साल से बंदे को छुट्टी मिलनी चाहिए। जी हाँ, और इस एक महीने में ये नहीं सभी छुट्टियां शामिल होंगी। इसका मतलब क्या होता है बता दूं, जैसे मान लो आपको 12 महीने पूरे हो गए काम करते हुए, उसके दौरान आप 1 साल 1 महीने आपको छुट्टी मिल गई, उस दौरान आपकी और भी गवर्नमेंट छुट्टी है, कोई ईद बकराईद एक्सपायरी कोई छुट्टियां, वो भी उनमें शामिल होंगी। ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं 30 दिन तो मेरी कंपनी के हैं, बाकी 4 दिन की और 34 दिन की छुट्टी मिल गई, ऐसा नहीं होने वाला है। सरकारी छुट्टी की बात करें तो नए साल की 1 छुट्टी होती है, ईद की 3 छुट्टी होती है, अराफत दिवस जिसको बोल सकते हैं, अराफत दिवस ऐसे उर्दू वर्ड होता है, ईद अल अदा में 3 दिन की छुट्टी होती है, आपको पता है हिजरी नववर्ष में छुट्टी होती है, मरणोत्सव यानी कोई मौत हो जाती है उसमें भी छुट्टियां मिल जाती हैं आपको, राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी मिलती है। ये जो सब छुट्टियां हैं ना, वो उनकी उन्हीं छुट्टियों में मान्य हो जाएंगी। ये नहीं कि ये छुट्टियां अलग से होंगी, कंपनी आपको 1 महीने की साल से या 2 साल से 2 महीने की अलग से छुट्टी देगी, नहीं जी ये प्रोसेस ऐसा नहीं है, सेम छुट्टियां सब में लागू होंगी। जी हाँ, हम आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि छुट्टी कब शुरू होंगी। जी हाँ, या निर्धारित कब होती है, ये डिपेंड आपके ऊपर नहीं करता। ये नहीं कि जैसे आपको छुट्टी अभी चाहिए, वो नहीं हो सकता, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, आपके मालिक आपकी नियुक्ता करेगा कि भाई आपको अभी इस टाइम आपको छुट्टी जाना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी में आपके मालिक के पास जबरदस्त काम चल रहा है, आपकी ज्यादा जरूरत है, आप बोलते नहीं जी हमें तो घर जाना है। ये देखिए जो कानून में लिखा हुआ है, लेकिन कानून उस तरीके से काम करता है कि वो उनके प्रोसेस के अनुसार आपको छुट्टी मिलेगी, आपकी मन मर्जी से छुट्टी नहीं मिलेगी। जी हाँ, एक वार्षिक छुट्टी आप मान लीजिए नहीं लेते हैं, साल से 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो उस छुट्टी के बदले में उस छुट्टी का पूरा भुगतान उस छुट्टी में आप काम कर रहे हैं, जैसे 11 महीने 1 महीने की छुट्टी मिल गई, 12 महीने में काम करते उस दौरान आप काम कर रहे हैं, तो आपकी डबल सैलरी बनती है, प्लस उसका भुगतान पूरा होना चाहिए और वेतन के बराबर आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। जैसे आप 1 महीने काम कर रहे हैं, उस दौरान आपकी 1 महीने की छुट्टी बनती है 11 महीने से, तो उस महीने की यानी दो उस महीने में आपको डबल सैलरी मिलनी चाहिए। हक ये होता है, कंपनी को भुगतान करना होता है, लेकिन कंपनियां नहीं देती हैं, आप सबको पता है, बहुत कम चांस में, रियर चांस ऐसे होते हैं जिनमें कंपनियां तनख्वाह दे देती हैं, बाकी नहीं देती हैं, खा जाती हैं। जो छुट्टियां होती हैं ना, जैसे ये छुट्टियां मैंने बताई जो सरकारी छुट्टियां बहुत सारी, उनमें भी आप छुट्टी के दिन की तनख्वाह नहीं कटती है भाई, सैलरी आपकी मूल वेतन और भत्ते के बराबर ही तनख्वाह मिलती है। ये नहीं कि छुट्टी है जी कंपनियों ने तनख्वाह काट ली, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरी सैलरी आपको मिलनी चाहिए। वार्षिक छुट्टी के बदले आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, आप छुट्टी नहीं लेते हैं, कंपनी छुट्टी नहीं देती है, तो उस महीने में आप काम कर रहे हैं वो तो तनख्वाह मिलनी है, बाकी 1 महीने की एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिलनी चाहिए, ये प्रोसेस बोलता है। बाकी भाई आपके ऊपर कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी से सैलरी निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय